इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C और टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिलकर ऐसे कॉल्स को ब्लॉक कर रहे हैं जो भारत के बाहर से आ रहे हैं। इस तरह के कॉलर्स झूठा दावा कर रहे हैं कि वे CBI या NCB से सीनियर अधिकारी बात कर रहे हैं। 14C माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर स्कैमर्स द्वारा ऑफिशियल लोगों का गलत इस्तेमाल रोकने की कोशिशों में काम कर रहा है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है पार्सल स्कैम और सरकार इसको रोकने को लेकर क्या कर रही है। दरअसल स्कैमर अपने शिकार व विश्वास जीतने के लिए झूठी विश्वसनीयता हासिल करने की कोशिशों में कामयाब हो रहे हैं। 14C के CEO राजेश कुमार का कहना है कि ऐसे बहुत से मामले देखने को मिले हैं जिनमें कॉलर्स ने खुद को पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से होना बताया है। डिजिटल हाउस अरेस्ट के साथ पैसों की ठगी को अंजाम दिया गया। इन विक्टिम को भारत के ही नंबर से नॉर्मल कॉल किया गया। इतना ही नहीं, भारतीय एजेंसियों का प्रतिरूप कर हजारों स्काइप आईडी बनाई गई। 14C ने माइक्रोसॉफ्ट को 1500 स्काइप आईडी की सूचना दी है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पार्सल स्कैम। दरअसल पार्सल स्कैम की शुरुआत एक फोन कॉल के साथ होती है। स्कैमर विक्टिम को भारत के ही नंबर से कॉल करते हैं। इसके बाद स्कैमर विक्टिम को झूठ बोलता है कि वह पुलिस या फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात कर रहा है। विक्टिम को कहा जाता है कि उसके नाम पर एक पार्सल मिला है जिसमें कि ड्रग्स, फेक पासपोर्ट जैसी चीजें बरामद हुई है। इसके बाद विक्टिम को डराकर मामला शांत करने के लिए पैसों की डिमांड की जाती है। इस तरह के कई मामलों ने स्कैमर ने विक्टिम को वीडियो कॉल पर पेमेंट होने तक लाइन पर रख डिजिटल अरेस्ट भी किया। वहीं सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है और किसी भी तरह की संदिग्ध कॉल या मैसेज को लेकर साइबर क्राइम वेबसाइट पर सूचना देने को कहा गया है। वेल, आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।